नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सारस्वत है। मैं JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है WWW एंड इट्स सर्विसेज। आज की चर्चा के बाद हम जान पाएंगे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ में वेब पेजेस, वेब सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स, प्रोटोकॉल्स एंड यूज ऑफ कुकीज। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में अपनी प्रयोगशाला में किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का काम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और अदर मल्टीमीडिया डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब में विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। ये वेब पेजेस बनाने के लिए एक बहुत सिंपल लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं, जिसे हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा सीमेंटिक। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब के आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट्स, सर्वर्स, कैशेस और इंटरनेट का अध्ययन किया जाता है। सीमेंटिक कंपोनेंट्स स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। इसमें हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, XML और URI का अध्ययन करते हैं। वेब पेज टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस और अदर टाइप की मल्टीमीडिया डेटा का समूह होता है, जिसको हम वेब ब्राउजर पर विजुलाइज कर सकते हैं। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए दो बेसिक एंटिटीज का यूज़ किया जाता है। पहला क्लाइंट, जिसे हम वेब ब्राउजर भी बोलते हैं, दूसरा सर्वर। वेब ब्राउजर क्लाइंट साइट पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब सर्वर जो पेज क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाते हैं उनको एनालाइज करता है और रिक्वेस्टेड पेजेस को वेब ब्राउजर के पास दोबारा भेजता है। यदि रिक्वेस्टेड वेब पेज सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज को भी वो क्लाइंट के पास वेब ब्राउजर के थ्रू भेजता है। क्लाइंट ब्राउजर्स वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको वेब सर्वर रिक्वेस्ट पूरा करने के बाद भेजता है। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, जैसे HTML, XML, CSS। वेब पेजेस वेब ब्राउजर पर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो को डिस्प्ले करते हैं। वेब पेजेस में हम डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को सर्वर पर भेज सकते हैं। WWW कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, जैसे HTTP, TCP/IP, DNS। इन रूल्स के द्वारा ही हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। हर वेब पेज और हर रिसोर्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID होता है, जिसके द्वारा हम उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इस यूनिक आइडेंटिफायर को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे http://online.uou.ac.in/emba/ दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल। ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, जिसमें तीन भाग होते हैं। सबसे पहला HTTPS, वो एक प्रोटोकॉल को बताता है, जिसके थ्रू हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रीन कलर से लिखा हुआ online.cou.ac.in सर्वर का एड्रेस बताता है, जहाँ से डेटा को फैच किया जाता है या जहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं। और तीसरा रिसोर्स के एड्रेस को लोकेट करता है, जहाँ से हमें फाइल को सर्वर रीड करके क्लाइंट के पास भेजता है। वेब पेज को डिज़ाइन करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसको फॉलो करके हम विभिन्न प्रकार के वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज फेज में हम ये पता करते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। एनालाइज करने के बाद हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें एनालाइज फेज में मिलती है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम उसके लिए पेज लेआउट बनाते हैं, पेज डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। पेज लेआउट बनाने के बाद वेब डेवलपर वेब पेजेस को डिज़ाइन करता है।
वेब पेजेस डिज़ाइन होने के बाद ये सभी वेब पेजेस को हम इंटरनेट पर डिप्लॉय करते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का पार्ट है। इम्प्लीमेंट फेज में हम फाइनल चेक भी करते हैं, चेकलिस्ट भी तैयार करते हैं जो एनालाइज फेज़ में तैयार की गई थी। फाइनल फेज़ मेंटेनेंस का होता है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट ट्रैफिक एनालाइज भी कर सकते हैं। वेब सर्वर्स प्रोग्राम्स का वो समूह होता है जो क्लाइंट्स के लिए रेस्पॉन्स जनरेट करता है। इसके लिए HTTP प्रोटोकॉल्स का इस क्रम में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद सर्वर को क्लाइंट किसी फाइल किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। सर्वर जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से मिलती है उसको एनालाइज करता है और करस्पॉन्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्स मिलने के बाद रेस्पॉन्ड पेज वेब ब्राउज़र के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है और उसको क्लाइंट साइट पर वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्वर के द्वारा भेजे गए डेटा को वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र के थ्रू क्लाइंट अपने डेटा को विजुलाइज कर सकता है। वेब ब्राउज़र डिफरेंट टाइप के डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, अदर मल्टीमीडिया डेटा को इंटरेक्टिव मैनर में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेब ब्राउज़र है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा को दिखाया गया है, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट और अदर टाइप का मल्टीमीडिया डेटा। ये वेब ब्राउज़र में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे बैक, फॉरवर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू, एड्रेस बार, होम, पेज मेनू। डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसका प्रयोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कुछ रूल्स का समूह होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जब एक वेब ब्राउज़र और क्लाइंट और एक वेब सर्वर के बीच में होता है, उस प्रोटोकॉल को हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP कहते हैं। HTTP प्रोटोकॉल एक सीक्वेंस में काम करता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है सर्वर के साथ। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद क्लाइंट किसी फाइल या किसी रिसोर्स के लिए यूजर सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद क्लाइंट किसी फाइल को सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है। यदि सर्वर के पास वो फाइल है तो सर्वर उस फाइल के साथ रेस्पॉन्स भेजता है और वो रेस्पॉन्स वेब ब्राउज़र पर क्लाइंट विजुलाइज कर सकता है। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट उस कनेक्शन को क्लोज भी कर सकता है। HTTP के अलावा भी और प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ किए जाते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका काम क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मेल को सेंड करने के लिए, एंड POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुकीज़ सर्वर और क्लाइंट के बीच में सेशन को परसिस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रिंग्स क्लाइंट साइट पर ASCII फॉर्म में स्टोर रहती हैं। यहाँ ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कुकीज़ दो तरह की होती हैं, सेशन कुकीज़ एंड परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ केवल कुछ ड्यूरेशन के लिए ही स्टोर रहती हैं, जो कि वेब सेशन को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे सेशन ID। परसिस्टेंट कुकीज़ कुछ ज़्यादा समय के लिए स्टोर रहती हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, यूज़र नेम, पासवर्ड्स। आज की चर्चा में हमने वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजेस, वेब ब्राउज़र, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स और कुकीज़ के बारे में पढ़ा। आगे की चर्चा में हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ करना सीखेंगे। धन्यवाद।